हेलो स्टूडेंट्स दिस इज योर साइंस टीचर आरती मिश्रा एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द चैप्टर नंबर फोर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर नेम से ही हमें पता लगता है कि हमें किसके बारे में स्टडी करनी है एटम्स के बारे में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम्स क्या होते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है तो हम जब एटम्स के बारे में जानेंगे कि वो किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं क्या सब में प्रेजेंट होते हैं ये जो क्वेश्चंस है इनका जब क्लियरिफिकेशन आज आ जा जाएंगे हमारे कंसेप्ट में तब हम ये जान पाएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसके स्ट्रक्चर से पहले हमें उसकी पूरी ब्रीफिंग करनी होगी तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा उसका एक इंट्रोडक्शन कि ये क्या कहाँ कहाँ कहा प्रेजेंट होते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं तो ये सबसे पहले हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि जो भी बड़ी चीजें होती हैं वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं ऐसा तो है नहीं कि अब हम किसी भी चीज़ को जैसे एक बोरी में हमने गेहूं को पूरा भर दिया तो हम कहते हैं एक बोरी गेहूं लेकिन उस बोरी के अंदर गेहूं के एक एक पार्टिकल से मिलकर वो पूरी बोरी बनी होगी तो कहीं ना कहीं अगर वो गेहूं ना होता तो पूरी पार्ट जो बोरी है वो कैसे भरती तो जो पूरा बड़ा कंटेनर है वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीजें बड़ी होती हैं वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है चाहे वो छोटी से बहुत ही बड़ी चीज की बात कर लीजिए या हम लोग कह सकते हैं एक बाउल से एक पूरा डिनर सेट जिस तरीके से बना होता है सारे के सारे पार्टिकल्स छोटे छोटे एटम से मिलकर बनोते हैं तो बहुत समय एंशियंट टाइम्स में जो हमारे साइंटिफिक थिंकर्स होते थे उन्होंने इसके बारे में पूरे यूनिवर्स में बताया बताया उन्होंने कि जो पूरा हमारा यूनिवर्स है वो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बना है टीनी पार्टिकल से एंड दैट पार्टिकल्स आर कॉल्ड एस जो अब हम क्या कहते हैं उसको एटम्स कहते हैं लेकिन उसके पहले कई कई अप्रोच आया तो सबसे पहला अप्रोच आया डेमोक्रेटिस डेमोक्रेटस की डेमोक्रेटस का आया उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड है हमारा उसमें सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है एक इनविजिबल टू आवर आईज़ जो हम अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं उन्हीं चीजों से मिलकर बने हुए हैं तो उन्होंने बिलीव किया ही बिलीव दैट जो जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनइमेजिनेबल है मतलब हम उनके बारे में मतलब सोच भी नहीं सकते वो कितने हार्ड होंगे मतलब उनको कैसे रखा जाए उनको कैसे मूव किया जाए उनकी क्या वो इनविजिबल हैं क्या नहीं इनविजिबल हैं उनकी इंडिविजिबिलिटी क्या है तो जो ऐसे पार्टिकल्स थे उनको उन्होंने एक नाम दिया दैट इज एटम्स उसको हम ग्रीक वर्ड में क्या कहेंगे इनडिविजिबल एटम्स मतलब सिंगल तो इसीलिए उन्होंने इसको क्या कहा इनडिविजिबल ऐसा पहले कहा गया उसके बाद नेक्स्ट थॉट आया महर्षि कन्नड़ का एक इंडियन फिलोसफर थे वैदिक पीरियड टाइम की बात है उन्होंने जब जिसको हम एटम कहते हैं उन्होंने इसके पहले एक्सप्लेन करने के लिए एक टर्म यूज किया परमाणु उनके कन्नड़ के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं कट इंटू उन्होंने कहा कोई भी प्योर सब्सटेंस लीजिए उसको कट कीजिए स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में हर किसी का अपना अपना एक एंड हो जाएगा विल कम एंड यू कैन नॉट डिवाइड इंटू स्टिल स्मॉलर अब वो इतने छोटे हो जाएं कि उसको आप तब डिवाइड ना कर पाएं उससे इतना मतलब छोटे से भी छोटा बहुत छोटा जब उसको आप डिवाइड ना कर पाए ऐसे स्टेज में पहुंचा लेंगे तो जो सबसे टिनियस्ट पार्टिकल्स होगा उसको आप क्या कहेंगे अनु एंड दैट अनु इज मेड अप ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स विच इज कॉल्ड परमाणु तो अगर अनु की बात करें कि अगर अनु में भी मेड अप हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स से मिलकर बना हो तो उसको हम क्या कहेंगे परमाणु उसके बाद भी कई लोगों के ओवरव्यूज आए तो सबसे इंपॉर्टेंट व्यूज हमने पढ़ा जॉन डाल्टन का जब जॉन डाल्टन आए तो उन्होंने वो एक इंग्लिश स्कूल मास्टर थे जॉन डाल्टन उन्होंने बताया कि एक इंग्लिश स्कूल मास्टर जॉन डाल्टन पुट फॉर मीनिंगफुल एटॉमिक मॉडल उन्होंने क्या किया एक मीनिंगफुल एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया डिजाइन किया और उसकी थ्योरी को भी दिया उन्होंने थ्योरी में एक्सप्लेन किया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिए इस ऑब्जर्वेशन को उन्होंने इस पिक्चर में जैसे आप देख रहे हैं कि एक इंच वन इंच जो है ऐसा होता है कि इन्होंने एटम्स को डिनोट किया कि 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 उन्होंने दिखाया इतने स्मॉल होते हैं कि आप उनको नेगेटाइज से इजिली नहीं देख सकते हैं। तो जो एटम्स अगर हम इफ एटम्स की डायमीटर की बात करें तो वन एंगस्ट्रॉम होगा इट मीन्स हम कह सकते हैं ना कि ये बहुत ही स्मॉल होता है यहां पर वन एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू हमारा जो एटम डायमी एटम के डायमीटर की जो रेंज होती है वो वन टू फाइव एंगस्ट्रॉम होती हो और वन एंगस्ट्रॉम में टेन की पावर माइनस टेन मीटर इट मीनस इट इज टू मच स्मॉल हम जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा होता है तो जो एटम्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं उसके बाद उन्होंने जॉन जा, डाल्टन ने एक थ्योरी दी जिसे हमने हम उसे आज भी जानते हैं और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से उसको जानते हैं डिस्क्राइ इसके एटॉमिक uh, थ्योरी जो डॉन डाल्टन की थ्योरी इसको देने वाले जॉन डाल्टन थे इनके नेम पर ही इस थ्योरी uh, को प्रपोज कर दिया गया और इन्होंने दो दो लॉज के बेसिस पे अपनी थ्योरी दी थी फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन इसके कुछ सेलियंट फीचर्स थे इस थ्योरी के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमें जानने भी चाहिए तो सबसे पहले है जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि जो एटम्स होते हैं वो ईच एलिमेंट इज कम्पोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स पार्टिकल एटम्स फर्स्ट पॉइंट क्या था कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं दैट इज एटम्स एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर ऑल अलाइक बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो आर अलाइक सेम मतलब अलग अलग ऑल लाइक अलग अलग भी हो सकते हैं डिफर फ्रॉम एटम्स अदर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट भी हो सकते हैं एटम्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल इसका मतलब हुआ कि एटम्स क्रिएटेड एंड नॉर ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फोर्थ है एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं वेरियस एलिमेंट्स के वो अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और उसी में वो क्या करते हैं कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो फिफ्थ पॉइंट यही एक्सप्लेन करता है कि अगर हम एटम्स को डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हम किसी को किसी के साथ भी एक फिक्स्ड रेशियो में स्मॉल होल नंबर्स में उसको हम कंबाइन करेंगे तो वो बनेगा कंपाउंड एटम्स जब कंपाउंड एटम्स बन जाएगा तो नाव हम उसको क्या कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स इट मीन्स एटम्स अगर दो या दो से ज्यादा हो चुके हैं कंबाइन हो गए हैं दोनों तो उसको हम क्या कहेंगे मोलिक्यूल्स जॉन डाल्टन ने इन्वेंशन किए कई सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के एंड ही यूज दीज सिंबल्स टू राइट अ फॉर्मूला फॉर कम्पाउंड इन्होंने इस सिंबल का यूज किया क्यों किया था ताकि ये कई कंपाउंड्स के नेम को मेंशन कर सकें। सम ऑफ विच आर शोन एज बिलो डॉल्टन वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला डोल्टन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे पहले ऐसे पर्सन थे हम कहेंगे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने रियलाइज किया कि केमिकल फार्मूला को लिखने की इम्पोर्टेंस क्या है टुडे वी आर नॉट यूजिंग दिस सिंबल्स हम इन अब हमारे यूज में नहीं है नो लॉन्गर यूज इन सिंबल बट केमिकल फार्मूला स्टिल एट द हर्ट ऑफ ए ऑफ केमिस्ट्री कहीं ना कहीं ये फार्मूला या केमिकल के जो फार्मूलाज है वो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री के हर्ट में अभी भी है आप ये सिम्बल्स देख रहे हैं वॉटर अमोनिया कार्बनिक ऑक्साइड डायनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड तो आप जो देख रहे हैं ये ऐसा उन्होंने सिंबल रिप्रेजेंटेशन किया लेकिन जो ऑरेंज आपको ब्रैकेट्स uh, में दिख रहे हैं दैट इज दिस वन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड डायनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिस इज द मॉडर्न नेम बट दैट टाइम मॉडर्न नेम वॉज नॉट यूज बाय द डाल्टन सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स and the properties of dalton's theory so i hope you will understand it carefully thank you for watching in the next video we will discuss about modern atomic concept thank you for watching